कैसे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मिस्सी रोटी और उसके साथ दो किस्म की चटनियां। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मिस्सी रोटी की डो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप आटा, आधा कप बेसन। तो मतलब अगर आटा 1 कप है तो बेसन हमने आधा कप लेना है, इसकी हाफ मिकदार होगी उससे। उसके अलावा हमें जो चीजें चाहिए वो ये है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ये है सुरख मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और ये 3 लहसुन के जवे हैं। उसके अलावा ये देखें, ये 1 टमाटर है, आधा प्याज है और 4 हरी मिर्चें हैं। ये है मेथी जो कि फ्रोजन थी, इसका मैंने पिघला लिया है तो इसको भी हम यूज करेंगे। ये तकरीबन है कोई 100 ग्राम के करीब है ये जो मेथी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीजें मैं डालती हूँ इसके अंदर, चॉपर के अंदर। अब हम ये लहसुन डाल लेते हैं, नमक, जीरा, और ये सुरख मिर्च। इसको हम चॉप कर लेते हैं। इसको हमने बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना, बस मैं आपको दिखाती हूं किस तरह हमने इसको करना है। ये चूंकि कम है तो इसलिए जो है मुझे थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ रहा है ताकि ये देखें, ये बहुत ज्यादा बारीक नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है। तो बस इसी तरह का हमने इसको करना है और ये करके जो है हम इसको ये सारा इसके अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद ये मेथी है, ये मेथी ने भी थोड़ा पानी छोड़ा हुआ है क्योंकि ये फ्रोजन थी, तो फ्रोजन मेथी ने थोड़ा पानी छोड़ा हुआ है। इसको इसी तरीके से हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इसको इसको इसी के ये जो है इसका इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है इसी के अंदर इसकी डो बनाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको जो है हम गूंदेंगे। तो ऑब्वियस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा भी धनिया भी ऐड किया है, ये मैं भूल गई थी। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है कटा हुआ। तो ये देखें, पानी के अंदर जो इसके अंदर पानी था उससे ये इस तरह का हो गया, लेकिन हमने इसकी वैसे डो नहीं बनानी है जैसे कि हम बनाते हैं। इसको हमने थोड़ा पतला रखना है, तो पतला रखने के लिए ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि इसको कितना हमने पतला रखना है और किस तरह फिर हमने इसका पराठा बनाना है। ये जो है ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और मुफीद रोटी है मिस्सी रोटी जो है। ये मैं चूँकि डाइटिंग पे हूँ तो मैं इसको अपने वेट लॉस के लिए ही बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर दूँ। तो अभी मैं आपको बना के भी बताऊँगी। तो अगर आप ये खाएंगे 2-3 दिन, ये इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, और अगर आप इसको बना के खाएंगे दिन में आप 2 दफ़ा भी खा सकते हैं, 1 दफ़ा भी खा सकते हैं। 1 दफ़ा में आप 2 बना के खा लेंगे, 3 बना के खा लें, बस 1 दफ़ा खा लें दोपहर को और सुबह को 2 उबले हुए अंडे ले लें, तो बहुत तेज़ी से आपका वज़न लूज़ होगा। तकरीबन 0.5 किलो वज़न जो है आप डेली के हिसाब से लूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह की हो गई है, लेकिन इसको अभी भी हमने थोड़ी सी मज़ीद पतला करना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है, ये देखिए। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह की हमें चाहिए डो, ये इस तरह का हो गया अब ये तैयार। तो जब आप इसको इस तरह उठाएं तो ये इस तरह गिरना चाहिए। तो इस वक्त जो आटे की हमारी डो है ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए अब साइड पे रखते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट
सबसे पहले ये मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर पैन के अंदर लगाती हूँ इसको ग्रीस करने के लिए। ये जो मिस्सी रोटी है इसको हम पैनकेक की तरह बनाएंगे, इसको हम दूसरी तरह नहीं बनाएंगे, तवे पे पका के नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखें, ये हमने इस पे घी डाल लिया थोड़ा सा, ये तकरीबन आधा टीस्पून के करीब घी होगा जो मैंने डाला है। तो इसलिए बेफिक्र रहें, ये ना सोचें कि डाइटिंग का है और उसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ, और ये ऑलिव ऑयल है वैसे भी। तो अब जो है आपने इसको ये करना है कि इसको फैला देना है। डाल के मैंने उसको फैला दिया। अब मैं किनारों के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा और डालूंगी और फिर इसको भी इसके साथ में मिक्स कर दूंगी। आपने आग जो है नीचे बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि नीचे से जल ना जाए। तो अब जो है इसकी मदद से इस तरह करके आप इसको फैला दें और इधर से भी। ये देखें, गोल बेशक ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन ये कि पराठा जो है वो आपका बन जाएगा अच्छे तरीके से। इधर से हम इसको इस तरह फैला के इसके साथ मिला देते हैं। तो ये देखें, इस वक्त आपकी जो है एक मुकम्मल जो रोटी है ये इस वक्त रेडी हो गई हुई है। अगर हम चाहें तो इसमें भी थोड़ी सी थोड़ा सा इस हिस्से में भी डाल लें आप, ये जो खाली हिस्सा रह गया है। और उसके बाद आप इसको भी इसी तरह उसके साथ चिपका दें। तो ये देखिए, अब ये हमारी मुकम्मल एक रोटी तैयार हो गई है। अभी हम इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। हाँ, ये देखें, ये किनारे छोड़ना शुरू हो गया, ये एक साइड से जो है वो रेडी हो गई है। तो अब इसकी जो मैंने साइड चेंज कर दी है, ये देखें, ये इसका जायका जो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो उस वक्त चूँकि बंदे को भूख ज़्यादा लगती है, तो इससे ये है कि आप सालन से और घी जो आपने इतना ज़्यादा खाना है तो उन सारी चीज़ों से जो है आप अवॉइड कर सकते हैं। और बस आप इसका हल्का सा, यानी आप इसके ऊपर घी लगा के, आधा टीस्पून मैंने पहले लगाया था तो आधे के करीब टीस्पून ही जो है मैं तकरीबन कोशिश करूंगी कि मैं इसके ऊपर ये दो तीन कतरे कतरा कतरा करके जो है इस तरह करके मैं थोड़ा सा लगा दूं। और इसको हम घुमाएंगे अच्छी तरीके से, तो फिर जो है ये पूरे उसके ऊपर रोटी के ऊपर फैल जाएगा। तो हमें मज़ीद जो घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको उतार के जब पक जाता है तो उसके बाद भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं रोटी बनाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसके ऊपर किस तरह उतार के लगाना है। उसके ऊपर हम हल्का सा मक्खन लगाएंगे, तो जो मक्खन लगाएंगे तो उसकी कैलोरीज जो है वो इससे भी कम आएंगी, क्योंकि वो बहुत कम तादाद में जो होगा वो इसके ऊपर जो है लगेगा, और जो आपकी घी की कैलोरीज हैं वो भी अवॉइड हो जाएंगी। तो ये हमारी जो है इस वक्त, चूंकि इसके अंदर बेसन भी शामिल है, अब मैंने आग इसके नीचे तेज कर दी है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए, मैंने आंच तेज की थी तो ये एक तरफ से रेडी हो गई है बिल्कुल, और इसकी देखिए आप कितनी अच्छी शक्ल बनी है। तो अभी इसको दूसरी तरफ से भी ये पकेगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छी पकेगी। तो ये जो इसके किनारे इस तरफ से हैं, प्लीज इस पे ना जाएं, इसको या आप इग्नोर करें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने वेट लूज करना है या आप घर की एक सादा वाली रोटी खा खा के बिल्कुल तंग आ चुके हैं और आप कोई चटपटी चीज खाना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। और इसको जो है हम बाद में दो चटनियों के साथ सर्व करेंगे, एक टमाटर की चटनी और एक दही की चटनी। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे बनानी है, धनिया और पुदीने की चटनी और टमाटर की चटनी, दो चटनियां इसके साथ हम सर्व करेंगे।
हाँ जी, ये जो है इस वक्त बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैं इसको उतार लेती हूँ, आग में बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और ये मैं इसको उतार लेती हूँ। ये देखें कि बिल्कुल रेडी हो गई है इस वक्त। तो चलें हम जो है वो दूसरा अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं पैन के अंदर थोड़ा सा पहले डाल लूँ दरमियान में, तो फिर इसको अब हम जो है फैला लेते हैं। अभी मैंने इसके नीचे घी नहीं डाला, तो मैं जो है इसके ऊपर मक्खन लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसके अंदर नीचे इसके घी नहीं डाला। तो चूंकि ये नॉन स्टिक पैन है तो ये उसके साथ चिपकेगी नहीं, लेकिन अगर आपका नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप नीचे घी ज़रूर डालें, अदरवाइज ये पैन के साथ चिपक जाएंगी। तो बस ये दो रोटियां अगर आप खाएंगे, इसकी मिसी रोटी जो है, तो आपकी भूख बिल्कुल पूरी हो जाएगी और इसके खाने से आपको मैक्सिमम जो है वो 500 के करीब कैलोरीज जो आपकी होंगी, 500 से 600, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इससे आपका पेट भर जाएगा और आप पूरा दिन जो है फुल रहेंगे, तो आपको मजीद जो है भूख नहीं लगेगी और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। सुबह के टाइम पे आप दो उबले हुए अंडे लें, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है तो उसमें से आप एक जर्दी निकाल दें और एक अंडे की जर्दी आप खाएं, और उसके साथ चाय का हल्का दूध कम डालें और एक कप चाय का ले लें, और फिर शाम को जो है चाय लें आप और चाय के साथ एक आध बिस्किट ले लें। बस ये आप दो तीन दिन कर लें, चार दिन करेंगे अगर आप, तो चार दिन में आपका 2 किलो लाजमी वजन कम होगा। आजमा के देख लें बेशक आप। मैं वो दावा नहीं करती कि मसलन आपका एक दिन में 1 kg वेट कम होगा, जैसे अक्सर लोगों ने लिखा हुआ होता है अपनी वीडियोस में, क्योंकि वो गलत होता है। एक दिन में 1 kg वेट कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो एक दिन में 0.5 किलो जो है वो आसानी से कम हो जाता है। ये देखें ये चिपकी नहीं है क्योंकि नॉन स्टिक पैन है और ये एक तरफ से पक भी गई है, और पैन ज्यादा गर्म था इसलिए एक तरफ से पक गई है। तो इसको हम दूसरी तरफ से पकाते हैं, तो फिर इसके बाद में आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर हमने मक्खन लगाना है तो वो हम किस तरह लगाएंगे। ये देखें ये आसानी से घूम रही है, नीचे वाली साइड से भी ये जो है उसके साथ स्टिकी नहीं हुई है, बल्कि बहुत इजीली ये जो है अभी थोड़ी देर में पक के तो रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरकीब है और बहुत आसानी से बनने वाली, और डाइटिंग के लिए तो जो है बहुत ज़्यादा ही आसान है। और मैं चूँकि खुद इस वक्त डाइटिंग पे हूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरा जो हड्डियाँ जो थी फ्रैक्चर हो गई थी, एक हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, तो उसके लिए जो है मेरा वेट बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अपना वज़न कम करें, तो वज़न कम करने के लिए आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने अपना तकरीबन 3 kg वेट जो है वो लूज़ कर लिया, तकरीबन 1 वीक में किया मैंने वो। तो अब ये एक नई रेसिपी मुझे पता चली है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, इससे जो है वज़न 4 दिन में 2 किलो होगा। तो ये मैं ज़रूर इसको मतलब आप भी करें, मैं भी आपको रिजल्ट्स बताऊंगी ज़रूर 2-4 दिन के बाद कि मुझे इस रोटी के साथ क्या रिज़ल्ट मिला। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, सिर्फ आप यही चीज़ें खाएं 4 दिन और फिर मुझे बताएं कि वाकई आपका 2 किलो वज़न कम हुआ कि नहीं हुआ। ये देखें ये इस जगह से भी तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी भी कच्ची है, तो इसको मैं वापस पलट देती हूँ क्योंकि इस साइड से ये पक गई हुई है सिर्फ उसी साइड। तो व्यूअर्स इस वक्त जो है हमारा ये पराठा तकरीबन बिल्कुल बन के रेडी हो गया हुआ है। तो ये देखें ये कितना अच्छा बना है, इसके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे, तो मक्खन जो है वो घी से बेहतर होता है और इसमें कैलोरीज कम लगेंगी। ये मैं इस चूल्हे के ऊपर ही जो है इसके ऊपर लगा लूँगी, तो ये इसलिए कम भी लगेगा और इसके अंदर कैलोरीज भी कम होंगी, तो तकरीबन 60 के करीब कैलोरीज जो हैं वो इसके अंदर आएंगी। अगर पूरा चम्मच लगेगा तो 120 आएंगी, इस तरह 60 कैलोरीज आएंगी सिर्फ। तो ये तकरीबन मेरी रोटी जो है ये 225 कैलोरी की पड़ेगी। तो चले हमारी रोटी तैयार हो चुकी हुई है, अब हम चटनियाँ बनाते हैं। 2 किस्म की चटनियाँ बनेंगी, एक बनेगी धनिया और पुदीने की चटनी और दूसरी जो है वो हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। तो मैं आपको बनाती हूँ पहले चटनी और फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ उसका। तो चले हम पहली चटनी शुरू करते हैं। तो इस वक्त जो पहली चटनी है हमारी, उसके अंदर हमें किन अज्जा की ज़रूरत है मैं आपको दिखा दूँ।
ये सबसे पहले मैंने लिए हैं तकरीबन 8 के करीब ये सब्ज मिर्चे हैं, और ये हैं 5 के करीब लहसुन के जवे। तो उसके साथ जो है एक टमाटर मैंने लिया है मीडियम साइज का, और इसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। उसके अलावा ये देखें, ये जो है हाफ एक टीस्पून मैंने ली है मिर्च, और एक टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, और ये एक टीस्पून जीरा है जिसको कि मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा भून लिया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस चटनी के अंदर डलेंगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये मैं लहसुन और हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देती हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल देती हूँ, और फिर हम जो है ये मसाला जात जो है ये इसके अंदर डाल देते हैं, जिसमें कि मिर्च, नमक और ज़ीरा शामिल है। तो इसके अलावा जो है 1/4 हिस्सा प्याज का भी मैं डालूँगी। तो ये जो है ये एक छोटे प्याज का 1/4 हिस्सा प्याज है, तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब हम इसको जो है ये बंद कर लेंगे, हमने इसमें पानी नहीं शामिल करना है, और बंद करके तो इसको जो है हम तो चलें, ये हमारी टमाटर की चटनी जो है ये इस वक्त रेडी हो गई है। मैं इसको ओपन करती हूँ और ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि देखें बिल्कुल जो है ये बारीक पिस चुकी हुई है। इसको मैं निकाल के प्लेट में डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी जो इस वक्त टमाटर की चटनी है ये रेडी हो गई हुई है, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो चलें अब हम जो है दूसरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम स्टार्ट करते हैं धनिए और पुदीने की चटनी। तो इसके लिए हमें कौन से अज्जा चाहिए? हमें चाहिए 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, ये पुदीना और धनिया दोनों है, पुदीना डबल। अगर मसलन आपने 1 कप पुदीना लिया है तो 1/2 कप, 1 कप आपने अगर धनिया लिया है तो 1/2 कप पुदीना लेना, यानी कि पुदीने की क्वांटिटी डबल होनी चाहिए, धनिया की क्वांटिटी डबल होनी चाहिए पुदीने से। तो 1 कप धनिया और 1/2 कप पुदीना, और उसके बाद ये 7 से 8 के करीब ये हैं सुरख सब्ज मिर्च, ये फिर 5 जवे उसके हैं लहसुन के, 1/4 ये जो है प्याज है, 1 छोटे प्याज का 1/4 हिस्सा, और 1 ये टमाटर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये मैं डालती हूँ इसके अंदर टमाटर, सबसे नीचे डाल दें ताकि इससे ये होगा कि थोड़ा सा लिक्विड आएगा तो फिर हमें इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना पड़ेगा, वरना हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है तो फिर हमें पानी ऐड करना पड़ता है। इसके बाद जो है सबसे पहले हम ये डाल देंगे इसके अंदर सुरख मिर्च, और फिर ये नमक। नमक और सुरख मिर्च का मैं आपको बता दूं कि आप ये बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप बाद में इसको ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना ये शुरू करेंगे धनिया और पुदीना, और इसको जो है फिर हम पीसना शुरू करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा ऐड कर पीसना शुरू करते हैं। तो ये देखें इस वक्त जो है हमारा ये जो पहले मैंने डाला था इसमें ये पिस गया है, और इसके अंदर अब जो है मैं मज़ीद ये धनिया और पुदीना शामिल कर देती हूँ ताकि वो भी फिर इसके साथ थोड़ा सा पिस जाए। ये भी हो गया है, तो इसी तरह से मैं इसके अंदर ये बाकी सारा वाला ऐड कर लूं, और जब ये पिस जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूं
के हमने नेक्स्ट क्या करना है ये देखें, जो इसके अंदर मैंने डाला था वो सारा पीस किया है, और अब ये मैं बाकी और डाल के सारा इसको पीस के तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, इस वक्त जो है धनिया और पुदीने की चटनी हमारी जो है ये रेडी हो गई है बिल्कुल। तो अब आप जो है इसको सादा भी खा सकते हैं, अगर आपने रोटी और सब्जी के साथ खानी है तो आप थोड़ी सी चटनी लेके सादा भी आप खा सकते हैं उसके साथ, रोटी के साथ। लेकिन अगर आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, या फिर मिस्सी रोटी के साथ, या फिर किसी भी चीज़ के साथ खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये नहायत ही टेस्टी है। प्लस ये बिरयानी के साथ अगर आप खाएं तो बिरयानी के साथ भी ये बहुत ही उम्दा लगती है। तो इसका तरीका ये है, अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि इसमें से हमने ये 2 चम्मच लेके इसके, ये देखें ये इसमें आपने दही में इसको मिक्स कर लेना है, और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दें। तो ये देखें ये किसी भी चीज़ के साथ जो है खाने के लिए दही और धनिया और पुदीने की चटनी जो है ये रेडी हो गई है। इसको आप योगर्ट सॉस भी कहते हैं, और इसको धनिया और पुदीने की चटनी भी हम कहते हैं। तो ये टेस्ट इसका जो है ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा होता है। तो इस वक्त ये बिल्कुल रेडी है, ये देखें। और ये जो है ये इसको मैं इस तरह कंटेनर में बंद करके तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगी, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से थोड़ा सा पीस इसका निकाल लूँगी, और निकाल के तो मैं फिर इसको धनिया में दही के अंदर मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो है ये रोटियाँ भी दोनों तैयार हो गई हैं, उसके साथ ये मैंने टमाटर की चटनी, और ये धनिया पुदीने और योगर्ट की चटनी, ये दोनों चटनियाँ भी इसके साथ तैयार हैं। ज़्यादा अच्छी ये वाली चटनी लगती है, लेकिन ये भी चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसके साथ लगती है। तो आप कोई भी चटनी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप दोनों करें थोड़ी थोड़ी, और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी हैं ये। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।